दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को यूपी डीएलएड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आपको यूपी से डीएलएड का कोर्स करना है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से भरना है कंप्लीट आपको भरकर दिखाने वाले हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जिससे फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट रहेगी, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट वन। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फ़ीस पे करनी है, इसके बाद में फॉर्म को सबमिट करना है, इसके बाद में यहाँ से फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये स्टेप रहेंगे, फिर सबसे नीचे आपको फाइनल प्रिंट निकालना है, ठीक है। ये स्टेप है, जो ऑप्शन आपको कंप्लीट करना हो यहाँ से आएंगे, दोबारा से जाकर क्लिक हेयर पर क्लिक करिए, सारे स्टेप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद में नीचे आना है, फ़ीस देखने कितनी है। तो फ़ीस है आपकी जनरेशन फीस 700 फॉर कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ओबीसी। जनरल ओबीसी की 700 रुपये, SC ST की 500 और BI HI और OH कैटेगरी की 200 रुपये फ़ीस है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में अगला पेज खुलेगा, इसके बाद फिर से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अब आपको दिखेगा पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको अपना नेम यहाँ पर डालना है, नेम ऑफ कैंडिडेट जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसका फुल नेम यहाँ पर डालना है, फादर का नेम यहाँ पर डालना है, मदर का नेम यहाँ पर डालना है, ठीक है। नेम के आगे मिस्टर, MS, डॉक्टर कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। जो नेम आपकी मार्कशीट पर है 10th की उसी के अकॉर्डिंग डिटेल भरिए। आगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, डोमिसाइल स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, डोमिसाइल अगर यूपी से हो तो यूपी, यूपी के अलावा किसी और स्टेट से हो तो अदर देन यूपी, ये इस पर टिक कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में अब आ जाएगा कैटेगरी। अब कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल के लिए अनरिजर्व्ड है, ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लास, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अपने अपने हिसाब से आपको अपना ऑप्शन ले लेना है, ठीक है। आगे सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी हो जैसे विजुअली इम्पायर्ड, हियरिंग इम्पायर्ड, ऑर्थोपेडिक, इसमें से अगर आप आते हो तो लगा सकते हो, वरना नॉट एप्लीकेबल NA पर लगा देंगे। इसके अगर रहेगा जेंडर, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें मेल फीमेल, इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, ठीक है। आगे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके आगे मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अब ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल है, मतलब कम से कम अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तभी फॉर्म भर पाएंगे, ठीक। बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, यूपी की सारी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी। अगर यूपी की यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो अदर का ऑप्शन है, अदर यूनिवर्सिटी पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यूपी की यूनिवर्सिटी से किया है तो सारी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी, जो यूनिवर्सिटी आपकी है अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा कॉलेज नेम, यहाँ पर कॉलेज का नेम डालना है, किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। आगे पासिंग ईयर, यहाँ पर अपना पासिंग ईयर डालना है, किस ईयर में आपने कंप्लीट कर लिया है, पास करने वाले स्टूडेंट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसलिए पासिंग ईयर डालना है, इस साल क्या 2024 डाल सकते हैं, ठीक है। आगे रोल नंबर, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, आगे है या फिर एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर दोनों में से कोई एक चीज़। आगे मार्कशीट नंबर, मार्कशीट का सीरियल नंबर होगा आपकी मार्कशीट पर, वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, मार्कशीट नंबर। फिर इसके आगे है टोटल मार्क्स, तीनों साल का टोटल मार्क्स कितना है, अगर MJPIU से किया है और 2023 में कंप्लीट कर लिया या 22 तक, तो एनुअल पैटर्न था वहाँ पर 1200 था तीनों साल का मैक्सिमम मार्क्स मिलाकर BA का, और 1350 था BSc का। तो जो NAP सिस्टम आया है उसके अकॉर्डिंग अब मैक्सिमम मार्क्स चेंज हो गया है, तो आपको सभी सेमेस्टर के मैक्सिमम मार्क्स ऐड करके देखना है कि कितना मैक्सिमम मार्क्स बैठ रहा है, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर डाल देंगे मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर डाल देंगे मार्क्स ऑब्टेन, तीनों साल का मिलाकर कितने नंबर आए हैं आपके फाइनल, ठीक है। आगे परसेंटेज, ये अपने आप यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है, ठीक है।
इसके बाद में इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए सही से फॉर्म फिल करें, अगर गलती हो जाती है तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल चेक करें, चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, अब आपके फॉर्म का जो है प्रीव्यू आपके सामने आएगा, ठीक है। प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक लग रही है आपको तो बैक जाकर इसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर मिस्टेक नहीं है तो सेव कर दें, फाइनल सेव, फाइनल सबमिट करने के बाद में इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर ठीक है तो फाइनल फाइनल सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। बाद में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे कि नो चेंज विल बी एंटरनेड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप चेंजेस करना चाहें तो अभी कर लें, वरना आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर श्योर है तो यस प्लीज़ डू पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको SMS भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको SMS में प्राप्त हो जाएगा। अब इसके आगे देखिएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर UP DLED 2024, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन मोबाइल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑन ईमेल आईडी फॉर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब आपको देखिएगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड, ईमेल और मोबाइल दोनों पर इन्फॉर्मेशन भेज दी गई हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगले स्टेप पर आप पहुँच जाएंगे। अब अगला स्टेप में आपको अपने फॉर्म को लॉग इन करना है, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको SMS में भेज दिया गया होगा, ठीक है। इसके आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें, ठीक है। इसके आगे जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आए वो यहाँ पर डालें, ठीक है। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। देखिए, अगर आपकी फ़ीस पे हो जाती है और सक्सेसफुल नहीं दिखाता सक्सेसफुली, 24 घंटे का आपको वेट करना है। वर्किंग 24 घंटे के बाद में आप चेक करेंगे तो सक्सेसफुल दिखा देगी वहाँ पर, ठीक है। तो 24 घंटे का वेट करेंगे, अगर फीस आपकी कटने के बाद में सक्सेसफुल शो ना हो। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया होगा, ठीक है, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग OTP को फिल कर देंगे, ठीक है, हर कॉलम में एक एक नंबर आना है। इसके बाद में देखिएगा वेरीफाई OTP का ये बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, और इसको वेरीफाई करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेप टू पे फीस, सेकेंड स्टेप में आपको फ़ीस पे करनी है, थर्ड स्टेप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कुछ पार्ट और रह गया है वो भरना है, स्टेप फोर में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, स्टेप फाइव में ईमेल और प्रिंट फॉर्म प्रिंट करना है फॉर्म को, ठीक है। फ़ीस कितनी रहेगी, तो फ़ीस रहेगी OBC और जनरल की 700, बताई दिया आपको, ठीक है। नीचे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो आप सबसे पहले आप लोगों को स्टेप टू में जाकर अपनी फ़ीस को पे कर देना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको देखिएगा एक्शन सेलेक्ट में जाएंगे, और सेलेक्ट में जाने के बाद में कोई एक मोड यहां पर ले लेंगे, ICIC पेमेंट गेटवे, SBI पेमेंट गेटवे, इनमें से कोई एक आपको ले देना है, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे मेथड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से आप अपनी फ़ीस को पे कर देंगे, UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद में आपको अगला स्टेप फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट टू, ये वाला स्टेप कंप्लीट करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्म की फ़ीस पे नहीं हुई है तो ये ऑप्शन अभी ओपन नहीं होगा, ठीक है। फ़ीस पे होने के बाद में ये ऑप्शन ओपन आपका हो जाएगा। आगे है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे क्या क्या आपको अपलोड करना है। सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए 25 से 50 KB के बीच में, 40 KB आप रख सकते हैं। करना कैसे है, KB कम, तो IM रीसाइजर सर्च करेंगे, उसका साइज़ 40 KB कर लेंगे, JPG फॉर्मेट में रख लेंगे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींच लें, अगर फ़ोटो का फ़ोटो नहीं है तो अपना फ़ोटो खींच लें, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड चेंज कर लें। चेंज करने के बाद में उसका KB कम करें और JPG फॉर्मेट में चेंज करें और यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में होने चाहिए, सिग्नेचर आप 30 KB के रख सकते हो, दोनों का साइज़ JPG फॉर्मेट में मांग गया है। अपलोड करने के लिए आपको देखिएगा चूज़ फाइल, इसमें जाएंगे और अपने फ़ोटो को गैलरी में सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस प्रकार से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देना है, ठीक है, इसके बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो फ़ोटो इस तरीके से अपलोड कर दें। इसके आगे रहेगा
ईमेल और प्रिंट फॉर्म, यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में सारे स्टेप यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लॉगआउट होने के बाद में बैक जाएं और दोबारा से होम पेज पर आकर यहाँ से भी अपने स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जिस स्टेप में जाना हो, जो स्टेप कंप्लीट करना हो, उस स्टेप पर क्लिक करें इस प्रकार से, और क्लिक करने के बाद में अपने फॉर्म को लॉगिन करें। ठीक है, बाहर से लॉगिन करके भी आप अपने फॉर्म को कंप्लीट भर सकते हैं। ठीक है, जिस स्टेप में जाना हो उस स्टेप में यहाँ पर जाएं, यहाँ से जाएं और अपने फॉर्म को लॉगिन करें। अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आप फॉर्म में पहुँच जाएंगे और जिस स्टेप को कंप्लीट करना हो उस स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म भरने कोई दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरिट की जानकारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरिट कब आएगी, कितने परसेंटेज पर लगेगी, इसकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।